हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सितम्मा अदालू रमैया सितरालू तो सितम्मा अदालू रामैया सित्रालू एक तेलुगु फिल्म है इसका हिंदी डब्ड वर्जन है उसको नाम दिया हुआ है तेरा आशिक तो तेलुगु और हिंदी ये जो दो वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसी के साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा करके बता

उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गुसेट्टी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा राना दी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन शंकर सकल का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा भातुलू ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइड से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है याजिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम रामजोग्य शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर आ भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नुवेरना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये छः गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज ने श्री का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर सक शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का अपरिष का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्रीराम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग-अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीजों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है रात तरन एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसीस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पर शकल शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए फिल्म के काफी रिफ्रेशिंग नजर आएंगे और उसको अच्छी तरह से भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहां पर वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नजर आता है जहां पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीजें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बीजीएम उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव हुए एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नजर आएगा कुछ सीन्स सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ द प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नेरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नेरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नजर आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर के हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल और और ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई uh, ऐसा कुछ नया इंप्रेसिव है रूटीन ही सब चीजें तो रूटीन चीजें आपको इतना इग्नोर नहीं करती हो तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आशिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविजन के राइट्स से सैटेलाइट राइट्स से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना ना दर्देन देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्सन और नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवीरेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्रा बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन शंकर सकल शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स से ऑडियो राइट्स से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने रिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर आ भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नुवेरना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानीसी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको या हुआ है रंजीत ने तो टोटली अच्छे गाने जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण ने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री श्रीराम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्रीराम की मां का रोल प्ले किया हुआ है श्री ने इस फिल्म में श्रीराम के ग्रैंड मदर का अपरिष्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर बाई की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्रीराम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग-अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीजों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तुर तो एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते है फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसीस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टर्निंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पर शकल शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट के हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफी रिफ्रेशिंग नजर आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नजर आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडन कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में स्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दि, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोसफियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बीजीएम उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे जैसे हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नज़र आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर किए हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आशिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सैटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना ना दर्देन देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्जन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवीरेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्रा बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू सेट्टी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन शंकर सकल का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनन्त रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना बालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा भातुल्लू ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकंड जहाँ पे पहला गाना है सीतामा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थरचुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये छः गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का अपृष्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वालिया आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ है जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है अर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीजों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तरन एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नजर आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस की गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे शकल का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नजर आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नजर आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमे जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टबलिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए द, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी डाइवलॉग्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ द प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज़ किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर के हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में उनतीस जनवरी दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे आई एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना नन ना अदर देन सोनी ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया सित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवी रेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा भातुलू ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक ने प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकंड जहाँ पे पहला गाना है सी लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ याजिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है वाक की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेरना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पांचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानिसी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल छः गाने जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज उनने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर सक शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का अप्रिस्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुन नावाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक की मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पर वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है रात तौर एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे शक्ल अका संकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफी रिफ्रेशिंग नजर आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहां पर वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नजर आता है जहां पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीजें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दि, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकिस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बीजीएम उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नजर आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नजर आएगा कुछ सीन्स थे सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी ने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज़ किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नजर आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आशिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविजन के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना ना दर देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन शंकर सकल शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स से ऑडियो राइट्स से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम रामजोग्य शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग वाक्की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नुवेरना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानीसी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको या हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये छे गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज ने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री श्रीराम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सूर्यखावानी ने श्रीराम की मां का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मण इस फिल्म में श्रीराम के ग्रैंड मदर का अपरिस्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर बाई की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार है इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम यानी कि राज तरुण उनकी लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यू थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है राम से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तुरंत तो एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पर शकल शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट रखे हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टबलिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोसफियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बीजीएम उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे जैसे हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नज़र आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर किए हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीजें आपको इतना इग्नोर नहीं करती है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविजन के राइट से सैटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना ना दर्देन अदर देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सतरालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्जन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवी रेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्रा बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू सेट्टी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन संकल सकल का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनन्त रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना बालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पर पहला गाना है सीतामा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्चुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये छः गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का अपृष्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यू थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक की मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है अर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तो दौरान एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए तो नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया से निभाया हुआ है राज तरुण और उनकी गैंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफी बढ़िया तरीके से किए गई है जहाँ पे काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आर्थाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे शकल का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफी रिफ्रेशिंग नजर आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नजर आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नजर आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमे जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में कर रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टबलिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दि, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइवलॉक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ द प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज़ किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर के हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आई एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग जैसे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो ख़रीदे हुए नाना ना दर्देन देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मेक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगू वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया सित्र यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवी रेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के के लीड लीड कास्ट बारे में तो आपको रोल में तो आपको रोल देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा भातुलू ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने रिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नुवेन्ना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये छः गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर सका शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का पर अप्रिस्ट किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुन आवाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक की मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पर वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है रात तौर एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसिस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पर काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पर शकल शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक रोल कोस्टर एंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दि, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नजर आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नजर आएगा कुछ सीन्स थे सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी ने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज़ किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नज़र आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आशिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना दर देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगु वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रामैया सित्र यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन शंकर सकल शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स से ऑडियो राइट्स से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग वाक्की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये अच्छे गाने जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज ने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आर ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सूरेखा वानी ने श्रीराम की मां का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मण इस फिल्म में श्रीराम के ग्रैंड मदर का अप्रृष्ट का किया है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर भाई की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्रीराम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ है जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है अर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तुरन तो एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टर्निंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे पर का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म की कहानी में एक रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोसफियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफी बढ़िया नजर आएगा बीजीएम उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे जैसे हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर किए हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीजें आपको इतना इग्नोर नहीं करती है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज़ किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट्स से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए हैं ना नान अदर देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मेक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्जन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा आसिक नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवीरेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू सेट्टी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन सकल का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी अनंत रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना बालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पर पहला गाना है सीतामा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसमे जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्चुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल छे गाने जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण ने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आर ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री के ग्रैंड मदर का प्रेस्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुन आवाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्रीराम यानी कि राज तरुण उनकी लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गोल की यू थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है अर्थाना। राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफ़ी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता का हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तरन तो एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस की गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे शकल अक्का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में स्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दि, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नजर आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर के हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आई एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना दर्देन देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया चित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्र यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवीरेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के के लीड लीड कास्ट बारे में तो आपको रोल में तो आपको रोल देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन संकल सकल शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइड से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने रिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग वाक्की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नुवेन्ना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल छे गाने जिसको आप वीडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज राजूर ने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आर ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकल का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री जयराम के ग्रैंड मदर का अप्रेस्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुन आवाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर भाई की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यू थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक के मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है अर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीजों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है रात तौर एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आर ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पर शकल शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नजर आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज़ किए हुए उसका नेरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नेरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर किए हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आशिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविजन के राइड्स से सेटेलाइट राइट्स से, हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना दर देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगू वर्जन है वो सितम्मा अदलू रामैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगु वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्जन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इंजॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रामैया सित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र कृष्णन शंकर सकल शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स से ऑडियो राइट्स से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग वाक्की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये छः गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा तो रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर सक शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का अपरिष्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वालिया आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर बाई की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्रीराम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ है जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक ही मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है रात तुरन तो एक बार फिर एक ऑनिस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नजर आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आरथाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे पर का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म की कहानी में एक रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दिखा दि, 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 सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोसफियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स जैसे कंड में जो आउट ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नज़र आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर के हुए ऐसा नज़र आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई ऐसा uh, कुछ नया इम्प्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीजें आपको इतना इग्नोर नहीं करती है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज़ किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज़ ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए हैं सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगू वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा वर्जन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा आसिक नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी ड्रब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रा यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवीरेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्रा बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू सेट्टी ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के बारे में तो राज तरुण आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र राधा कृष्णन संकल सकल का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी अनंत रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना बालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा भातुल्लू ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक सौ मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने रिसेंट प्राइस में ख़रीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकेंड जहाँ पर पहला गाना है सीतामा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा मे जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थर्जुग की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल छह गाने जिसको आप वीडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज ने श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में राम के ग्रैंड मदर का प्रेस्ट का किया हुआ है रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथु नावाली आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्री राम कि राज तरुण उनकी लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ है जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक के मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है आर्थाना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पे वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज़्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है रात तुरन तो एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पर काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है अर्थाना ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे शकल अक्का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ़ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट के हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में इस्टेबलिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दि, 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 दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बी उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स थे सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ द द्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नेरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नेरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नजर आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर की ऐसा नजर आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीजें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई uh, ऐसा कुछ नया इंप्रेसिव है रूटीन ही सब चीज़ें तो रूटीन चीज़ें आपको इतना इग्नोर नहीं करती हो तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आई एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आसिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविज़न के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना न ना देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगू वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरा आसिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरा नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो सितम्मा अदालो रमैया चित्रालो यानी कि तेरा आसिक ये एक 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है श्रीनिवास गवीरेड्डी ने उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें श्रीनिवास गवी रेड्डी ने ही किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस शैलेंद्र बाबू श्रीधर रेड्डी और हरीश दुग्गू ने जहाँ पे इस फिल्म को एक उनके ही बैनर के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के के लीड लीड कास्ट बारे में तो आपको रोल में तो आपको रोल देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई अर्थाना को इनके अलावा रानाधी रेड्डी राज रविंद्र राधा कृष्णन का शंकर सुरेखा वानी श्री लक्ष्मी आनंद रत्नसागर संगीता रेड्डी मिथुना वालिया रंजिता हेमा और जोगी नायडू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो किए हुए विश्वा देवा ने वहीं पे फिल्म की एडिटिंग को किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने वहीं पे इस फिल्म को रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों गोपी सुंदर ने ही कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइड से ऑडियो राइट से वो आदित्य म्यूजिक हॉलों ने रिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे इन गानों को टोटल छः गाने इसमें इनको रिकॉर्ड किया हुआ है दो को और दस जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सभी गानों की टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट बाई बीस सेकंड जहाँ पे पहला गाना है सीतमा लक्ष्मी जिसको लिखा हुआ है कृष्ण चैतन्य ने गाया हुआ है यासिन निसार ने वहीं पे दूसरा गाना है परवसा में जिसको लिखा हुआ है राम जोगिया शास्त्री ने गाया हुआ है सचिन वॉरियर और दिव्या एस मेनन ने तीसरा गाना है थरजुग वाक्की जिसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भाटला ने और गाया हुआ है सुचित सुसेन ने और इसके अलावा चौथा गाना है नूवेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाना मल्ली ने और गाया हुआ है हरिचरण ने पाँचवा गाना है ओक्को नक्षत्रम जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और गाया हुआ है कार्तिक और दिव्या एस मेनन ने छठा गाना है मानी सी जिसके लिरिक्स लिखे हुए सुदल्ला अशोक तेजा ने जिसको गाया हुआ है रंजीत ने तो टोटल ये अच्छे गाने हैं जिसको आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो बात करें आर्टिस्ट की कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है उसके ऊपर तो राज तरुण श्री राम का रोल प्ले किया हुआ है आरथाना ने इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है राणा राणाधीर रेड्डी ने इस फिल्म में सीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्रन आपको सीता के फादर के रोल में दिखाई देंगे आदर्श बालाकृष्णन ने सीता के शूटर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सकला का शंकर आपको श्री राम के फ्रेंड के रोल में देखने को मिलेंगे सुरेखा वानी ने श्री राम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है श्री लक्ष्मी ने इस फिल्म में श्री राम के ग्रैंड मदर का का हुआ है, रत्न सागर ने इस फिल्म में सीता के ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है संगीता ने रेड्डी ने इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले किया हुआ है मिथुना वालिया आपको लवनिया के रोल में दिखाई देंगी और इसके अलावा रंजिता आपको रणधीर वाइफ की वाइफ के रोल में देखने को मिलेगी तो ये सभी किरदार इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो श्रीराम यानी कि राज तरुण की लाइफ से स्टार्ट होती है वो एक हैप्पी गो लकी यूथ थे जो रामपुरम से बिलोंग करता है जहाँ पे उसकी लाइफ में एक के मोटो है बचपन से वो अपनी स्वीट हार्ट यानी कि सीता से शादी करना चाहता है जिसका रोल प्ले कर रही है अर्थना राम कई बार अलग अलग तरीके से उनको प्रपोज करने के लिए ट्राई करता है लेकिन सभी जगह पर वो नाकामयाब होता है इसके अलावा इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीता उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगती है राम से काफी ज्यादा नफरत करने लगती है और इन सभी चीजों को देखते हुए राम की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी कुचल जाती है और फाइनली वो किसी तरह से उसे पसंद करवा पाए और उसको उसका प्यार जीत पाए उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है जब ये सभी चीज़ें सही जाती है जब सीता के पेरेंट्स से जो इस कपल के अगेंस्ट हो जाते हैं सीता को जब राम पसंद आ जाते कपल हो जाते उसके अगेंस्ट उनके पेरेंट्स हो जाते तब कहानी में एक और चेंज आता है एक चैलेंज आता है राम के अगेंस्ट जहाँ पे वो चैलेंज यही है कि वो इस चैलेंज को कैसे पार करेगा फिल्म का जो चैलेंज है वो आपको एक ट्विस्ट के तौर पे दिखाया जाएगा तो अब उसको कैसे वो हैंडल करता है क्या राम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा अपने प्यार को जीत पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है रात तुरन एक बार फिर एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं फिल्म बाय फिल्म वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हुए वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में जो परफॉर्मेंसिस हैं उनकी उसमें पता चलेगा उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्टनिंग नज़र आएगा जो एक केयर फ्री एटीट्यूड देखने को मिलना चाहिए था रोल में वो उन्होंने बढ़िया तरीके से डाला हुआ है फिल्म के मूड के हिसाब से उन्होंने किरदार को बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है रात तरुण और उनकी गेंग के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए गई है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट होती है आर ने इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है और उस अवतार में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया हुआ है उनके पास काफ़ी इमोशनल सीन्स थे जहाँ पे उन्होंने बखूबी उन इमोशनल सीन्स के साथ खेला हुआ है वहीं पे पर का शंकर आपको एक इम्प्रेसिव कॉमेडी रोल में देखने को मिलते जिसको उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कॉमिक पंचिस जो आपको देखने को मिलते फिल्म में खास करके फर्स्ट हाफ़ में उसका इम्पेक्ट काफ़ी बढ़िया था फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजी मोमेंट्स देखने को मिलते वहीं पर वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो म्यूज़िक है जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आएंगे और उसको अच्छी तरह से शूट भी किया हुआ है राजा रविंद्र ने भी इस फिल्म में एक मेच्योर रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया थे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिसको जिस तरह से नेरेट किया हुआ था वो सेकंड हाफ में थोड़ा डल नज़र आता है जहाँ पे जो चैलेंज वाला पोर्शन आता है वो सभी चीज़ें थोड़ी जो प्लेस था कहानी का उससे थोड़ी डिफरेंट जाती हुई नज़र आती है डायरेक्टर कुछ और बेहतर एंगल ऐड कर सकते थे जहाँ पे प्रोसीडिंग और बेहतरीन हो सकती थी किसी एक पॉइंट के बाद आपको इस फिल्म में जिस तरह से फिल्म का साइड ट्रैक कॉमेड जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है जो चैलेंज के चलते पूरी तरह से साइड ट्रैक नज़र आता है वहीं पर जिस तरह से जो फिल्म के कहानी में एक रोल कोस्टर काइंड फीलिंग देने की कोशिश की हुई है वो सभी चीज़ें सडनली कुछ अलग डाइवर्जन की वजह से कहानी डिफरेंट हो जाती है और इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा जो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जो हीरोइन के पेरेंट्स है और फिल्म का जो हीरो है उसके बीच में उसको बेहतर वे में स्टेब्लिश कर सकते थे वहीं पे जो लव स्टोरी है लीड पेयर के बीच में उसको थोड़ा और बेहतर वे में क्लेरिफाई करते हुए दिखा सकते थे फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है विलेज का जो एटमोस्फियर है जो रस्टिक लोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट थी लाइव लुक्स भी आपको डिसेंट सुनने को मिलते हैं गोपी सुंदर का जो म्यूजिक है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा बीजीएम उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट नज़र आएगी स्क्रीन प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नज़र आएगा कुछ सीन्स सेकंड हाफ में जो आउट ऑफ द प्लेस आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि श्रीनिवास जी उन्होंने फिल्म के साथ बिलो पार काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है जो स्टोरी लाइन है वो आउटडेटेड चूज किए हुए उसका नेरेशन है उसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है जहाँ पे वो इस फिल्म के टॉपिक के ऊपर बने नहीं रहते वो अपने टॉपिक के अलावा काफ़ी भटकते हुए नजर आते उनका नेरेशन काफ़ी ज़्यादा डगमगाता हुआ नजर आता है कुछ एलिमेंट है फिल्म में जो फोर्सफुल एयर किए हुए ऐसा नजर आएगा तो ओवरऑल ये एक फास्ट पेस सिंपल लव स्टोरी फिल्म है जहाँ पे सबल इमोशंस देखने को मिलते हैं कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है विदाउट एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जैसे कि समझ लो कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है ना तो कोई uh, ऐसा कुछ नया इंप्रेसिव है रूटीन ही सब चीजें तो रूटीन चीजें आपको इतना इग्नोर नहीं करती हो तो इस फिल्म को आप देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो फिल्म को थिएटर में 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया था जहां पे आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को छिहत्तर वोट मिले हुए जिसमें चार पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी वर्जन के राइट से वो आदित्य मूवीज ने खरीद लिए थे जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग से जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तेरा आशिक नाम के साथ काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसके बाद में फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म के जो टेलीविजन के राइट से सेटेलाइट राइट से हिंदी वर्जन के वो खरीदे हुए नाना नन ना अदर देन सोनी मैक्स वालों ने तो आपको ये फिल्म फ़िलहाल में तेरा आशिक नाम के साथ हिंदी वर्जन में आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर तेरा आशिक नाम के साथ बिल्कुल फ्री में वहीं पे फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो सितम्मा अदलू रमैया सित्रालू नाम के साथ तेलुगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्सन जियो सिनेमा सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का हिंदी वर्जन आपको तेरासिक नाम के साथ सोनी मैक्स के ऊपर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे यूट्यूब चैनल आदित्य मूवीज़ के ऊपर तेरासिक नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ से आप इन्जॉय कर सकते हो तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू